अपने जमालपुर मुंगेर की न्यूज़ पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अमित, आप लगे हैं ज्ञानी गुरु जी। तो कुछ कुछ न्यूज़ है जमालपुर के बारे में और बिहार बोर्ड के बारे में जो कि रिजल्ट आया उसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट्स को लेकर क्या ऑर्डर दिया है सभी राज्यों को उसके बारे में भी बात करेंगे। और स्टेशन की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कि बहुत अच्छे से लोग रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोविड रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जमालपुर का और मुंगेर का कुछ स्थिति दिखाऊंगा। पहले ये रोहतास आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोहतास नंबर 2 पे है, 201 केसेस है यहाँ पे, जिसमें कि 68 ही रिकवर हुए। पटना फर्स्ट पे है, मधुबनी है, बेगूसराय है, खगड़िया है, फिर मुंगेर आ गया है। और मुंगेर में 148 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें कि 120 ठीक भी हो गए, तो अच्छी बात है ये। और 120 जो ठीक हो गए यानी कि 28 और रह गए हैं, वो भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो जमालपुर मुंगेर के लिए अच्छी खबर है कि एक तारीख से शायद बाजारे खुले। और रोहतास के बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में बहुत ज़बरदस्त जंप किया है, यानी कि बहुत नीचे था लिस्ट में, सबसे ऊपर मुंगेर था, लेकिन रोहतास पीछे से एकदम भागते हुए आया। और रोहतास एक चीज़ और में आगे हो गया है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे मैट्रिक का रिज़ल्ट के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। उसमें रोहतास का नाम अच्छे से आया है आगे। मैं जमालपुर के लोगों के बारे में बताऊंगा। जमालपुर के दो बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, दोनों को 448 नंबर ही आया है। एक NC घोष जमालपुर की है और एक RBI स्कूल का लड़का है गौरव कुमार, और प्रिया कुमारी NC घोष की है। तो बहुत बहुत उनको, उन लोगों को मुबारकबाद कि उन्होंने जमालपुर का नाम रोशन किया और अच्छा नंबर 450 के करीब 448 अंक पाए हैं। और इस बार भी इस बार थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया है सभी लोगों को। हिमांशु राज जो है रोहतास के, और मैं बता दूं आप लोगों को रोहतास के बारे में कि 8 बच्चे टॉप 10 में से 8 बच्चे रोहतास के हैं। तो रोहतास थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के मामले में भी सही है, जो टॉप किया है उसको 481 नंबर आया है, उस बंदे का नाम हिमांशु राज है। दूसरा जो दुर्गेश कुमार है वो 480 नंबर आया, समस्तीपुर का बच्चा है। हिमांशु राज जो है वो रोहतास का है। और जो थर्ड किया है वो थर्ड 3 लोग किए हैं, एक ही मतलब सभी को सेम नंबर आए हैं यानी कि 478। तो 3 लोग जो थर्ड किए वो भोजपुर का शुभम कुमार है, औरंगाबाद का रजवीर है और अरवल की जूली कुमारी है। तीनों लोगों को 478 नंबर आया है। सोच सकते हैं 3 नंबर और आता है इन लोगों को तो ये लोग भी टॉप कर जाते, एक एक नंबर से टॉप। और इस बार मैंने ये जो कंपटीशन है बहुत घना कंपटीशन बिहार बोर्ड में हुआ है ज़बरदस्त। तो और 80.59% स्टूडेंट पास हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछली बार भी कुछ इतने ही लगभग स्टूडेंट पास आउट हुए थे। और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता दूं, पहले तो यार 60% नंबर आ जाता था तो बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न कहलाता था, लेकिन अभी तो खैर CBSE का पैटर्न पे बिहार बोर्ड भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया है। ये देखिए ये लिस्ट है ईयर वाइज, इस लिस्ट में 2009 में 68% बच्चे पास हुए, 2010 में 70%, फिर 72, 73, 76, 75, 47, 2016 का सबसे ख़राब रिज़ल्ट रहा, 2017 का 50%। ये यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि शायद यहाँ से CBSE पैटर्न या फिर कुछ इसी उसके बाद जो परसेंटेज भी 80.59% आया, जो कि ठीक है, अच्छा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है जमालपुर कारखाना को लेकर। जमालपुर कारखाना खुल गया है हफ्ते में 3 दिन, और इसी को बेस बना के शायद जमालपुर बाज़ार भी खुलेगा हफ्ते में 3 दिन। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप मिल सकेंगी आराम से, लेकिन हड़बड़ाइएगा मत, शांति से काम लेना है। आगे का न्यूज़ एक अच्छा खबर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज जस्टिस दिया है, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि जो भी राज्य सरकारें हैं उनको माइग्रेंट्स को फूड देना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड
उनको ट्रैवल अगर करना है तो उनसे पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बंदा महाराष्ट्र में फंसा है, गुजरात में फंसा है, बिहार का, वो आना चाहता है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसको खाना भी दे, और उसको उस स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसको टिकट करा के उसको जहाँ भी जाना है वहाँ जाने दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, काफ़ी लेट दिया है ऑर्डर, लेकिन फिर भी दिया है, अच्छी बात है। ये जमालपुर स्टेशन का एक फ़ोटोग्राफ है, और फिर से मैं टाइम देख के बड़ा दंग हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:25 में सवा 4:30 सुबह में ये लोग रेड क्रॉस की टीम या फिर लोकल जितने भी लड़के बच्चे हैं हमारे जमालपुर के, अच्छा लगा मुझे देख के कि इतना सवेरे सवेरे ये लोग लोगों को रिसीव कर रहे हैं। पानी का बॉटल इन्होंने रख रखा है और कुछ खाने उने का शायद पैकेट वगैरह दे रहे हैं। इन माइग्रेंट्स को जहाँ जाना होता है फिर बसेस से वहाँ भेजा जाता है, स्क्रीनिंग होती है इनकी, टेस्टिंग होता है इनका, उसके बाद इनको छोड़ा जाता है। जिस तरीके से लाइक मेरे वीडियोस को करते हैं वो बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनएक्सपेक्टेडली, मुझे इतना यकीन नहीं था कि मेरे वीडियोस को इतना लाइक मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी करते हैं, उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। आप लोगों के मन में जो भी कमेंट करने, जो भी छोटा सा छोटा जवाब सवाल हो ज़रूर कमेंट करके पूछें, ताकि मुझे मैं उसका जवाब दे सकूं। जो भी सवाल आपके दिमाग में हो, कुछ भी बातें, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो और जिस तरीके से लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।